हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं निदा और मैं आज आप सबको बताऊंगी प्रेगनेंसी के दौरान क्या नहीं करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर एक, भारी वज़न नहीं उठाना चाहिए, जैसे कि पानी से भरी बाल्टी या फिर सिलबट्टा, भारी कुर्सी या फिर बक्सा इत्यादि। नंबर दो, बहुत देर तक ना नहीं खड़े रहना चाहिए। यदि आपको किचन में बहुत देर तक खड़ा होना पड़ता है तो आप वहाँ पर कुर्सी का प्रयोग भी कर सकती हैं। नंबर तीन, सीढ़ियों का प्रयोग कम से कम करना चाहिए। यदि आप ग्राउंड फ्लोर पर रहती हैं और मजबूरी में आपको नीचे जाना पड़ता है, कोशिश करिए एक ही बार में अपने सारे काम निपटा लीजिए। इसके लिए एक कार्य सूची बना लेना उचित होगा। सीढ़ियाँ रेलिंग पकड़कर ही उतरें। नंबर चार, हील वाली सैंडल या चप्पल नहीं पहननी चाहिए, हमेशा फ्लैट चप्पल ही पहनें। यदि आप ऑफिस जाती हैं तो फ्लैट सैंडल्स का भी प्रयोग कर सकते। नंबर पाँच, बाहर से खाना नहीं खाना चाहिए, ख़ास तौर पर जंक फूड्स जैसे कि पिज़्ज़ा, बर्गर आदि। होटलों, शादी या फिर शादियों में भी नहीं खाना चाहिए, इसकी शुद्धता की गारंटी नहीं होती है और आपको इन्फेक्शन हो सकता है। नंबर छः, तला और मसालेदार भोजन बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, इससे गैस या एसिडिटी या फिर जलन हो सकती है। नंबर सात, प्रेगनेंसी के दौरान बिना अपनी गायनेकोलॉजिस्ट की सलाह के दवाओं का सेवन नहीं करना चाहिए, यहाँ तक कि छोटी मोटी बीमारियों के लिए भी अपने से दवा नहीं। प्रेगनेंसी के दौरान कम से कम यात्रा करनी चाहिए, दो पहिया तीन पहिया वाहन को ज़्यादातर अवॉइड करना चाहिए। आपको मजबूरी में पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ऑफिस जाना भी पड़े तो और टाइमिंग से ही बस पकड़ें जब भीड़ कम हो। नंबर नौ, गर्भावस्था के दौरान तनावपूर्ण या डरावने सीरियल्स नहीं देखने चाहिए या फिर मूवी, कोई डरावनी मूवी नहीं देखनी चाहिए। नंबर दस, ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे आपको ज़्यादा तनाव का सामना कर। 11, प्रेगनेंसी के दौरान टाइट कपड़े यानी कि तंग कपड़े नहीं पहनने चाहिए। नंबर 12, कुछ अध्ययनों से पता चला है कि प्रेगनेंसी के दौरान मोबाइल फ़ोन का ज़्यादा यूज़ करना भी बच्चे के लिए हानिकारक हो सकता है। नंबर 13, अकेले नहीं रहना चाहिए, अगर आप अकेली हैं तो कुछ मैगजीन्स भी। नंबर 14, बाथरूम में खड़े होकर नहीं नहाना चाहिए और इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए जहाँ काई हो वहाँ बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। नंबर 15, प्रेगनेंसी के दौरान स्मोकिंग बिल्कुल नहीं करनी चाहिए और किसी और को अपने करीब धूम्रपान करने भी नहीं देना चाहिए, पैसे स्मोकिंग से भी बच्चे को खतरा हो सकता है। नंबर 16, कैफीन का सेवन अवॉइड करना चाहिए, जैसे कि कॉफ़ी, सोडा, ग्रीन टी या फिर ब्लैक टी, कोल्ड ड्रिंक्स से बचना चाहिए। चॉकलेट में भी कैफीन की मात्रा होती है मगर कम होती है, इसलिए आप कभी कभार चॉकलेट भी ले सकती हैं। नंबर 17, कुछ मछलियां जैसे कि ट्यूना मछली, किंग मैकरेल, टेलफिश इत्यादि में मरकरी की मात्रा ज़्यादा होती है, इन्हें नहीं खाना चाहिए। इसके सेवन से शिशु की मस्तिष्क का विकास प्रभावित हो सकता है। नंबर 18, अपने पालतू जानवरों के मल से बचना चाहिए, उनमें टोक्सोप्लाज्मा गोंडी नामक एक हार्मफुल पैरासाइट हो सकता है जो फीटस को इसके मस्तिष्क को डैमेज कर सकता है। नंबर 19, पहले 3 महीने तेज़ गंध के बीच बिल्कुल ना जाएं, इससे आपको मितली यानी कि उल्टी होने के चांसेस कम हो। नंबर 20, उछल कूद बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए जहाँ पर आपको गिरने का खतरा हो। नंबर 21, बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी व्यायाम नहीं करना चाहिए। नंबर 22, कम नहीं खाना चाहिए, आप अनयूजुअली जितना खाती हैं उससे अधिक ही खाना चाहिए। आमतौर पर एक शिशु को 300 कैलोरी की आवश्यकता होती है, इसलिए कम से कम इतनी कैलोरीज और लेनी चाहिए। ये भी ध्यान रखें कि आप ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा नहीं खा रही हैं। ये भी ध्यान रखें कि कहीं। नंबर 23, गर्म पानी से भरे बाथ टब में नहीं नहाना चाहिए, ख़ास तौर से पहले महीने में, इससे बॉडी के अंदर का टेम्परेचर बढ़ जाता है जो कि बच्चों के बुखार होने जैसा होता है। ऐसा करने से बच्चा बर्थ डिफेक्ट्स के साथ पैदा हो सकता है। नंबर 24, प्यासे नहीं रहना चाहिए, समय समय पर पानी पीते रहना चाहिए, इससे ब्लड सर्कुलेशन सही रहता है, डिहाइड्रेशन होने पर प्री मैच्योर डिलीवरी का खतरा हो जाता है। नंबर 25, पेट के बल नहीं सोना चाहिए। नंबर 26, गर्भावस्था के दौरान एक्सरे से दूर रहें। फ्रेंड्स, आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।